बॉलीवुड और ड्रग एंगल के बीच बहुत बुरी खबर सिनेमा जगत से, सीधे साउथ इंडस्ट्री से। बहुत ही प्यारे अभिनेता, कन्नड़ अभिनेता, कॉमेडी अभिनेता, अपने किरदार को जीने वाले अभिनेता अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। पूरी जानकारी हम आपको पढ़कर ही सुना देते हैं। कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुधाकर का निधन हो गया है। बुधवार को फिल्म के शूट के दौरान ही सुधाकर को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। सुधाकर एक बेहतरीन कॉमेडियन होने के साथ ही एक उम्दा अभिनेता भी रहे हैं। सुधाकर ने सिर्फ कॉमेडी से ही नहीं बल्कि विलेन बनकर और पिता की भूमिका निभाकर भी दर्शकों का दिल जीता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुधाकर ने कुछ महीने पहले ही कोरोना को मात दी थी, जिसके बाद उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी थी। बुधवार को वे बेंगलुरु के बन्नेर घाटा में KM शशिधर के डायरेक्टोरियल डेब्यू शुगरलेस के सेट पर थे, तभी उनको दिल का दौरा पड़ा जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर से कन्नड़ इंडस्ट्री शोक में है। सोशल मीडिया पर आम फैंस के साथ ही साथ सितारे भी सुधाकर को याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें कि सुधाकर के पास कई नए और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे। वे काफी प्रसिद्ध कलाकार थे और अपनी अलग स्टाइल से लोगों को खूब हंसाते थे। गौरतलब है कि साल 2020 में अभी तक कई सितारे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जिनमें अब सुधाकर जी का भी नाम शामिल हो गया है। फीफा फूज की तरफ से हमारी आपकी तरफ से सुधाकर जी को बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि। आप कुछ कहना चाह रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और श्रद्धांजलि आप भी उन्हें जरूर समर्पित करें। बने रहें हमारे साथ।